इन पहाड़ वासियों, साहेबगंज वासियों, झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद श्रीमान। झंडा तोलन समारोह समाप्त हुआ। आगे का आदेश। भारत माता की सलाम है, माता सुन जाए तो भारत माता की सलाम है, पर सुन जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एंसेंट ब्लॉग। तो गाइस, आज है 26 जनवरी और आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज हम है तीन पहाड़ अपने घर पे और यहाँ पर किस तरह 26 जनवरी मनाया जाता है और किस तरह की झांकी निकाली जाती है। और मैं अभी चलूंगा थाना, जो यहाँ तीन पहाड़ के पुलिस स्टेशन है, और वहां से और भी जगह जाऊंगा मैं जहां पर झंडा तोलन होगा, झंडा फहराया जाएगा और कुछ झांकियां निकलती है यहाँ की, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो बाहर अभी कुहासा है, थोड़ा सा बहुत कुहासा है यहाँ पर, जो कि पूरा ठंड बढ़ी हुई है। तो अभी मैं चलता हूँ वहीं पर और आप सबको दिखाता हूँ दिन भर का ये 26 जनवरी का क्या क्या यहाँ पर होता है और क्या कुछ होता है, तो सब कुछ आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा और फुल वॉच करिएगा गाइस, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग 26 जनवरी मनाने। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। तो जैसा कि गाइस अभी हम आ चुके हैं स्टेशन पे और आप देख सकते हैं कितना कुहासा है यहाँ पर, पूरा कुहासा भरा हुआ, जो कि यहाँ पहाड़ है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह भी स्टेशन की बात करें, इधर देख सकते हैं ये स्टेशन है और मैं अभी हूँ स्टेशन के ओवर ब्रिज पे, जो नया वाला ब्रिज बना हुआ है तीन पहाड़ के, और आप देख सकते हैं कितना कुहासा भरा हुआ है। इसकी वजह से गाइस यहाँ पर जो आज रिपब्लिक डे का जो बच्चे लोग का जुलूस निकलता है, आज रैली भी नहीं निकली है, कुछ निकले हैं, एक दो निकले हैं, बाकी और नहीं निकला है। जो छोटे छोटे बच्चे थे और बाकी हाई स्कूल मिडिल स्कूल जो भी थे वो लोग नहीं निकाले, वहाँ झंडा तोलन कर दिया अपना। तो अभी हम लोग चलने वाले हैं गाइस यहाँ तीन पहाड़ का थाना, जो तीन पहाड़ पे ही है और ये स्टेशन के बगल में, अभी हम लोग वहाँ चलेंगे और जाके देखते हैं वहाँ पर झंडा फहराया जाएगा। तो चलिए वहीं चलते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं हम अभी आ चुके हैं पुलिस स्टेशन पे और ये तीन पहाड़ का पुलिस स्टेशन है, जो अभी देख सकते हैं अभी झंडा तोलन होने वाला है, जो झंडा फहरेगा। और अभी हम लोग चलते हैं बड़ा बाबू से भेंट करने के लिए, वहाँ अंदर जा रहे हैं और उनसे कुछ बात करते हैं आज के बारे में। कुछ आज रिपब्लिक डे है, इसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तीन पहाड़ वासियों, साहेबगंज वासियों, झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आज 26 जनवरी है, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और देश के कोने कोने में
झंडा फहराते हैं। उसी तरह आज हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और सभी जनता से मैं अपील करता हूं कि हमेशा प्रशासन को सहयोग करें, कानून का सम्मान करें। धन्यवाद जी। तो आज क्या क्या यहाँ का प्रोग्राम रहेगा सर? आज का क्या रूटीन है यहाँ का, जो आज गणतंत्र दिवस होने वाली है, तो आज पुलिस स्टेशन में क्या क्या होने वाला है? झंडा फहराने के बाद भी कुछ प्रोग्राम? आज हम लोग यहाँ झंडोत्तोलन करेंगे जी, और झंडोत्तोलन के बाद हम लोग और विभिन्न जगह झंडोत्तोलन का कार्यक्रम है, मतलब और भी जगह जाना है अभी, वहाँ पे जाना है जी। और हम लोग शाम में एक बैठक रखे हैं, आपसी भाईचारे का एक हम लोग संदेश देंगे जी जी। नहीं, बहुत अच्छा काम। हाँ, यहाँ हम लोग मिल बैठ के कुछ बातें करेंगे जी, कुछ समय बिताएंगे जी। चलिए, बहुत अच्छा काम। तो चलिए, आपको आज रिपब्लिक डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। धन्यवाद। श्रीमान, झंडा तोलन समारोह समाप्त हुआ। आगे का आदेश गार्ड रूम के लिए निशान जन। तो गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा ब्लॉग ये कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। और ये ब्लॉग आज स्पेशल ब्लॉग था, आप 26 जनवरी के ऊपर जो रिपब्लिक डे के ऊपर है, तो ये ब्लॉग कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में न्यू प्लेस के साथ, तब तक लिए गाइस बाय बाय।